नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एजुकेशन जॉब लाइन पर। और दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि राजस्थान में जो आपके स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थाएं हैं वे कब से खोली जाएंगी। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता दें कि जो राजस्थान में आपके स्कूल हैं वो 7 जून 2021 से खोले जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर विशेष बात यह है कि आपके जो 7 जून से स्कूल खोले जा रहे हैं वो केवल अध्यापक और स्टाफ के लिए खोले जा रहे हैं, जो आपके छात्र हैं वो स्कूल में नहीं आएंगे। तो दोस्तों, आदेशों के अनुसार 7 जून 2021 से टीचर्स को स्कूल में उपस्थिति देनी होगी और इसके बाद 8 जून को 50% स्टाफ जो है वो संस्था प्रधान की ओर से निर्धारित रोटेशन के अनुसार स्कूल में आएगा। यानी इस दिन केवल आधे शिक्षक ही आएंगे और बाकी के जो आधे शिक्षक हैं वो अगले दिन आएंगे। तो कौन सा शिक्षक किस दिन स्कूल आएगा, इसका रोटेशन तय करने के लिए सभी की ड्यूटी लगाई जाएगी और यह संस्था प्रधान के द्वारा ड्यूटी लगाई जाएगी। इसके अलावा दोस्तों, यदि हम यूनिवर्सिटी एग्जाम की बात करें तो CBSE और राजस्थान बोर्ड की परीक्षाएं रद्द होने के बाद कॉलेजों की परीक्षाओं पर भी विद्यार्थी निर्णय का इंतजार कर रहे हैं और इसके ऊपर दोस्तों एक कमेटी बन चुकी है जो 15 दिन के अंदर अपनी रिपोर्ट देगी कि कॉलेजों की परीक्षाएं होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए और होंगी तो कब होगी। फिलहाल दोस्तों यह संभावित लग रहा है कि जो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के विद्यार्थी हैं उनको प्रमोट किया जा सकता है और फाइनल ईयर की परीक्षाएं यूनिवर्सिटियों में हो सकती हैं, लेकिन यह अभी कन्फर्म नहीं है। जल्द ही कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद स्थिति क्लियर होगी। इसके अलावा दोस्तों, स्कूल खुलने के बाद अध्यापकों को स्कूल में यह काम करने होंगे। पहला काम, जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उनसे संपर्क करना होगा फ़ोन के माध्यम से या किसी भी माध्यम से और स्कूल में नए एडमिशन करवाने होंगे। साथ ही विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को स्कूलों से जोड़ना होगा और अभिभावकों से मिलकर सोशल मीडिया ग्रुप एवं बुक के बारे में जानकारी देनी होगी। यानी यहाँ पर अध्यापकों को व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से पढ़ाई करवानी होगी और इसके लिए जो बच्चे हैं उन्हें व्हाट्सएप ग्रुपों से जोड़ना होगा और सभी कक्षाओं का रजिस्टर बनाना होगा और जो बच्चे अगली कक्षा में प्रमोट हो गए हैं उनके सीरियल नंबर, एड्रेस, माता पिता के नाम डालकर एंट्री करनी होगी। अगली कक्षा में उनके जो नाम पते हैं वो चढ़ाने होंगे। इसके अलावा ऑनलाइन पढ़ाई के लिए स्माइल कार्यक्रम के तहत सोशल मीडिया ग्रुप्स बनाने होंगे और बच्चों की पढ़ाई अब ऑफलाइन न करवाकर ऑनलाइन करवानी होगी। इसके अलावा दोस्तों, आप अधिक जानकारी के लिए हमारी ऑफिशियल वेबसाइट rjguru.com पर जाकर आप लेटेस्ट अपडेट देख सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं जिसका लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में उपलब्ध करवा दिया है। धन्यवाद दोस्तों।